इन दोनों में क्या फर्क है? लोअर सर्कल में हम क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल एंगल क्रिएट करते हैं, और जो अपर सर्कल है उसे हम वर्टिकल एंगल क्रिएट करते हैं। बेटा जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा था ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो उस वो एंगल हम पढ़ते हैं। तो ये हमारा टेलीस्कोप है, ठीक है ना? तो टेलीस्कोप जैसे आपने पढ़ा था ना लेवल में, तो वैसे ये टेलीस्कोप है। तो इस टेलीस्कोप, अब देखिए क्या एक चीज इसमें क्या है कि जे आप जिसको आप क्या कहेंगे, जे किसके लिए यूज होता है? सेंटरिंग करने के लिए। तो मैं, मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज सेंटरिंग? सेंटरिंग क्या चीज है? कि जो हमारा थियोडोलाइट का सेंटर है, जो हमारा स्टेशन है, वो एक दूसरे ऊपर बिल्कुल हो और उसको उसके ऊपर फिक्स करते हैं विद हेल्प ऑफ प्लंब बॉल, इसको हम सेंटरिंग करते हैं। एक चीज होती है ट्रांजिस्टिंग। ट्रांजिस्टिंग का क्या मतलब होता है? कि टेलीस्कोप को हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रिवॉल्विंग किया, उसके इर्द गिर्द घुमाया, तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिस्टिंग। तो इसका टेलीस्कोप को जब हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के आगे वाले रिवॉल्व करते हैं तो क्या होता है? ट्रांजिस्टिंग। और यदि हम इसको वर्टिकल एक्सिस के आगे वाले घुमाते हैं तो इसको हम कहते हैं स्विंगिंग। क्या कहते हैं? स्विंगिंग, ठीक है। तो ये देखिए आप, मैं काम कर रहा हूं, ठीक है ना? तो मैं जैसे इस बच्चे को बुलाऊंगा, इधर आइए आप, इधर आइए। तो आप, हम ऑब्जर्वर हैं, हम देख रहे हैं। तो देखिए हमारा जो सर्कल है किस ओर है? हमारा लेफ्ट साइड है। तो हम इसको कहेंगे कि हम फेस लेफ्ट पर काम कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं फेस लेफ्ट। तो सर्कल हमारा किधर चला गया? राइट साइड पर। इसको आप क्या कहेंगे? राइट फेस, ठीक है। तो जैसे हमने लेवल में पढ़ा था लाइन ऑफ कोऑर्डिनेशन एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, इसमें भी सेम है। मैं फिर आपको याद दिलाता हूं कि लाइन ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या चीज है, कि इसमें बीच में क्रॉस हेयर है। तो क्रॉस हेयर का सेंटर और जो ऑब्जेक्ट ग्लास का सेंटर है, आपस में जो लाइन मिलती है उसको हम लाइन ऑफ कोऑर्डिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ आईपीस और ऑब्जेक्ट ग्लास, इसको जो जोड़ते हैं उसको हम एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप कहते हैं, ठीक है। तो इससे काम करना है तो इसकी एडजस्टमेंट करनी होती है। तो इसकी एडजस्टमेंट कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक परमानेंट एडजस्टमेंट है, एक